फर्स्ट टाइम मुझे पहाड़ देखने को मिला, अब से देखे पहाड़ स्टार्ट हो चुका है। तो अगर पुलिस ने बोला पैदल का सेफ्टी का है तो प्रॉब्लम हो सकता है। अच्छा ठीक है मिलते हैं। मुझे फर्स्ट टाइम मैं ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करने वाला हूँ। मैं अभी पहाड़ के अंदर 9 किलोमीटर, आप सोच सकते हैं कितना बड़ा टनल है ये। अरे ये क्या है, ये जेसीबी देखो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी टाइम हो रहा है 10:30 और अभी मैं हूँ पठानकोट में। तो अभी पठानकोट से मैं निकलने वाला हूँ श्रीनगर के लिए। तो ये मेरा रूम है, अभी हेलमेट बस पड़ा हुआ है यहाँ पे, बाकी जो सामान है वो मैंने लोड कर लिया है पूरा। बस सब बाइक सब लोड हो चुका है, बस अभी यहाँ से निकल रहे, होटल से चेकआउट अभी कर लिए। तो अभी बस निकलते हैं यहाँ से और रास्ते पर मिलते हैं। सो अभी रेडी हो चुका हूँ मैं और रेडी हूँ अभी निकलने के लिए। अभी होटल को बाय बाय कर देते हैं। और अच्छा लगा बहुत इस होटल में, ये ऑन रहने देते हैं फिर। और कुछ तो रह नहीं गया ना मेरा, सब कुछ ले लिया। पर्स चेक कर लेता हूँ एक बार, हाँ पर्स तो है। सो चलिए निकलते हैं अभी होटल से। चलते हैं भैया, ये लीजिए आपका चाबी। बाइक में मैं हमेशा बाइक में ऐसे चढ़ता हूँ क्योंकि पूरा लोडेड है ना बाइक, इसीलिए। सो निकलते हैं अभी, जय बजरंगबली। सो अभी निकलते हैं यहाँ से पठानकोट से और श्रीनगर की तरफ। तो आज मैं निकलने नहीं वाला था क्योंकि कल मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था शोल्डर में और मुझे थोड़ा बुखार भी आ गया था पेन की वजह से। तो कल रात को मैं रेस्ट कर रहा था बहुत ज़्यादा। तो सुबह को मैं सोच रहा था, मैं 7 बजे मेरा नींद खुला, मैं सोच रहा था कि आज जाऊँ या ना जाऊँ। फिर मैंने सोचा कि रेस्ट, वैसे भी तो पेन तो होगा ही, रूम पर रह के क्या कर लूँगा मैं पूरा दिन। तो मैंने सोचा कि चले जाते हैं और लेह में जाके, तो एक दो दिन रुकना है ये क्योंकि लेह में जाके मुझे पास निकालना पड़ेंगे। तो 2 दिन और राइड कर लेते हैं नॉनस्टॉप और लेह में जाके तो 1 दिन रुकना है। तो इसी वजह से निकल गए आज। अभी टाइम वेस्ट नहीं करते रेस्ट करके क्योंकि लेह में जाके तो रेस्ट करना ही है 2 दिन, नहीं तो आज मैं रेस्ट करता क्योंकि पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था। कल रात को बुखार भी आ रहा था मुझे थोड़ा। और अभी हम लोग निकल चुके हैं पठानकोट से और ये हाईवे सामने ही है, तो जल्दी से हाईवे में चलते हैं और फिर बात करते हैं। सो गाइस, हम लोग फिर से आ चुके हैं हाईवे में और ये है नेशनल हाईवे 44 जो कि हम कल से उस पर राइड कर रहे हैं और आज भी आ चुके हैं। और अभी थोड़ा थोड़ा ठंड लग रहा है, मतलब जैसा लगता नहीं है, हमेशा गर्मी लगता है ना, तो आज वो वाला गर्मी नहीं लग रहा है मुझे। हवा के साथ थोड़ा थोड़ा ठंडी मुझे लग रहा है। ऐसा नहीं है कि धूप नहीं है इसलिए, पर पहले भी जब धूप नहीं था फिर भी गर्मी लगता था, पर अभी ठंड लगना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ से ही पेट्रोल फुल कर लेते हैं पहले क्योंकि बाद में अगर जम्मू में घुसने के बाद पेट्रोल अगर ना मिले तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो पहले पेट्रोल फुल कर लेते हैं। फुल कर दीजिए, फुल। फिर से शुरुआत हो चुका है हमारा एक नए से राइड का और अभी मैं पहले इसका ब्रेक ठीक कराऊंगा क्योंकि ब्रेक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। गाड़ी का जो डिस्क है ना, वो ब्रेक को ऐसे करके रखा है तो इसीलिए थोड़ा खींचने में भी प्रॉब्लम हो रहा है इसको। जब मैं बैक करता हूँ तो मुझे फील होता है कि बहुत ज़्यादा ताकत लगता है बैक करने में, तो इसके वजह से शायद ब्रेक ने चक्के को ऐसे करके रखा है, दबा के रखा है। तो पहले मुझे ब्रेक को ठीक कराना पड़ेगा और उसके बाद मैं निकलूँगा। और यहाँ से दिखा रहा है जम्मू बॉर्डर, सिर्फ 7 किलोमीटर बाकी है और हम बस पहुँचने ही वाले हैं जम्मू बॉर्डर तक। सो गाइस, फर्स्ट टाइम मुझे पहाड़ देखने को मिला, अब से देखे पहाड़ स्टार्ट हो चुका है यहाँ से। तो मैं लास्ट पहाड़ मैंने देखा था मेघालय में, मेघालय के बाद मैंने कोई भी पहाड़ नहीं देखा अभी तक। तो फर्स्ट टाइम मुझे देखने को मिला पहाड़ और बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हिल्स एरिया का व्यू, मतलब फील आ रहा है कि मैं हिल्स एरिया आ चुका हूँ। हाँ भैया, हाँ
हमने भी जाना है लेह में सर, ऐसा ये तो नहीं है कि हमको ये चाहिए जरूरी। ये तो आपके सेफ्टी के लिए, खुद के लिए, खुद के लिए। जैकेट जैकेट है हमारे पास, हाँ और चक्कर तो नहीं पड़ता। नहीं वो तो चेक नहीं, अगर आप सेफ पैदों के लिए सेफ्टी चाहिए होगा, अगर पुलिस ने बोला पैदों का सेफ्टी का है तो प्रॉब्लम हो सकता है। मतलब जाने देंगे वैसे भी ना हमको, हैंड ग्लोव जैकेट डाल के। जैकेट होता है पर ये तो खुद के लिए होता है ना ये सब चीज़ें। इसका तो ऐसा इशू तो नहीं ना कोई ऐसा? नहीं इतना इशू भी नहीं है। चलो ठीक है। कैसे अभी किधर जा रहे हैं जम्मू से? अभी मैं श्रीनगर रुकूंगा, श्रीनगर से जम्मू जाऊँ। हाँ श्रीनगर या फिर सोनमार्ग, दोनों में से एक जगह रुकूंगा आज, और कल लेह में जाऊँगा। सो यहाँ से ऑफिशियली स्टार्ट हो जाता है कश्मीर। इतना सब कुछ बैरियर लगा हुआ है यहाँ पे, इतना बैरियर मैंने नहीं देखा इतना बैरियर मैंने नहीं देखा कभी भी जम्मू। अरे 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 कहाँ से जाना है मुझे? हाँ अरे नहीं नहीं नहीं। सो इतना बैरियर लगा हुआ था वहाँ पे, देख के मुझे डर लग गया सच में। ये हमारा जम्मू एंड कश्मीर में फर्स्ट टॉल गेट हमें मिल चुका है, और ये टॉल गेट बहुत ही अलग है दूसरे टॉल गेट से। ये टॉल गेट बहुत ज़्यादा अलग है, इसका कलर भी अलग है। सो जम्मू में एंटर करने के बाद ही नेटवर्क गया, मेरा नेटवर्क है ही नहीं, बस पोस्टपेड सिम में नेटवर्क है। मैंने पोस्टपेड सिम कैरी किया हुआ है एयरटेल का, तो उसी में नेटवर्क है, बाकी सिम में नेटवर्क नहीं है। सब सिम का नेटवर्क चला गया, मेरे पास चार सिम है। भैया इसका सामने का ब्रेक ठीक करना है, वो ब्रेक का जो होता है ना पैनल, वो उसको चेंज करना है। हो जाएगा? डिस्क पैड है। हाँ जिससे ब्रेक ब्रेक लगता है जो, वो मतलब वो आवाज़ कर रहा है, ख़त्म हो गया शायद। आगे कोई एक किलोमीटर आगे जाके ना इस साइड दुकाना, वो वहाँ से मिल भी जाएंगे, वो चेंज भी कर देगा। मेरे पास नहीं है इसके लगे। ठीक है। पल्सर का भी नहीं है? पल्सर का लग जाता है। सो ये भैया के दुकान पे मुझे मिला ये, और ये चेंज कर रहे हैं इसका डिस्क, और मैं थोड़ा एटीएम से पैसा लेके आता हूँ, क्योंकि यहाँ पे गूगल पे यहाँ पे काम नहीं करने वाला, क्योंकि मोबाइल पे नेटवर्क ही नहीं है, तो इसीलिए मैं जाके थोड़ा पैसा उठा देता हूँ। ये है जम्मू एंड कश्मीर बैंक, इससे उठा लेते हैं पैसा। कितना उठाऊँ? सो एटीएम से हमने 10,000 विथड्रॉ कर लिया है अभी। अब मेरा एटीएम फंस गया था वहाँ पे, निकल ही नहीं रहा था शायद, एटीएम कार्ड फंस गया था शायद, एटीएम हैंग हो गया था, इसीलिए एटीएम कार्ड मेरा फंस गया था। बहुत बाद निकला, 10 मिनट बाद मेरा एटीएम निकला, शायद वो एटीएम हैंग हो गया था, तो मेरा ब्रेक भी शायद लग चुका है, और अभी नॉन स्टॉप जाएंगे बिना रुके। सो अभी बाइक पूरा ठीक हो चुका है, तो मैं भी छोड़ता हूँ। चले जा रहे हो? हाँ और गाड़ी रही हुई नहीं, मेरी ड्यूटी दे दी अंदर। हाँ मैं रहा हूँ गाड़ी में। हाँ सिलेंडर तो आ गया है। हाँ हाँ कैमरा लगा है? हाँ पूरा रोड है, देख रहे हो? ठीक है ना हवा? ठीक है चलते फिर। सो गाइस अभी निकल चुके हैं हम लोग, बाइक ठीक हो गया है, तो बाइक ठीक करने के चक्कर में मेरा खाना भी हो गया है, एटीएम से मैंने पैसा भी विथड्रॉ कर लिया है, और इस चक्कर में मेरा थोड़ा खाना भी हो गया है। बहुत दिनों बाद मैंने दाल चावल और मटर का सब्ज़ी कुछ खाया, तो अच्छा लगा मुझे बहुत खा के, और मैंने उनको बोला भी कि बहुत दिनों बाद मैं अच्छे से खाना खा पा रहा हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा लगा मुझे, और चटनी भी था, तो चटनी इज़ माई फेवरेट। कहाँ से आ रहे हो बिहार से? आप भी तो कहाँ पे?
उत्तर प्रदेश। हाँ मैं तो आसाम से। हाँ आसाम में कहाँ से हो? सिलचर। सिलचर सिलचर सिलचर। हाँ सिलचर में गया था अभी जस्ट 3 महीने पहले, करीमगंज हमारा सब उधर दोस्त है। वो जो एक सुजैन की जानते हो? सुजैन नहीं, वो जो एक झगड़ा हुआ था रास्ते में, वो नहीं नहीं त्रिपुरा में, त्रिपुरा गए थे, त्रिपुरा भी गए थे, त्रिपुरा में रास्ते में झगड़ा हुआ था एक आदमी के साथ, वो नहीं नहीं नॉर्थ ईस्ट कर आउट। हाँ 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 अच्छा। हाँ कितना टाइम लगेगा जाने में? एक बार लद्दाख कर चुका हूँ, ये दोबारा कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है, मिलते हैं। मेरा फर्स्ट टाइम है अभी तो। जानते हो क्या एक दूसरे को? नहीं। अच्छा ठीक है चलते हैं, फिर मुलाकात होगा वहाँ पे। तो ये एक भाई लोग बिहार से है और ये उत्तर प्रदेश है, और मिले हैं यहाँ पे, वो साइकिल से कर रहे हैं, बहुत गट से उनमें साइकिल से इतना दूर तक कर रहे हैं, इतने बात कर रहे थे ऐसा लग रहा था कि थके हुए, पूरा आवाज़ नहीं निकल रहा उनके मुंह से, इतना थके हुए थे। मैं तो फिर भी बहुत आराम से हूँ उनके हिसाब, उनसे तो बहुत आराम से हूँ मैं अभी भी, पर वो इतना मतलब कि हैट्स ऑफ टू देम कि वो इतना स्ट्रगल करके जा रहे हैं। अभी फिर से मेरे साथ वो चीज़ हुआ जो मुझे ब्रिज के नीचे से आना था, तो मैं ब्रिज के ऊपर से आ गया। सो मैं अभी रोड से जो बाईपास का रोड है उससे निकल के मैं अभी इस रोड में आ गया हूँ, ये रोड जो जा रहा है अभी श्रीनगर की तरफ। और मैं आज दाल लेक जो है दाल लेक के आसपास ही कहीं पे रुकूँगा। सो अभी हम लोग आ चुके हैं उधमपुर, और यहाँ से श्रीनगर दिखा रहा है 200 किलोमीटर दूर, 5 घंटा लगेगा गूगल मैप के हिसाब से, तो 5 घंटा हम नॉन स्टॉप अगर चलाए तो शाम तक पहुंच जाएंगे। सो गाइस यहाँ पे एक टनल था, तो अभी मैं आपको गूगल मैप का एक चीज़ दिखाता हूँ। मैं इतने दिन से सोच रहा था कि ये चीज़ है क्या, तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको। ये एक टनल है ठीक है, तो गूगल मैप अभी नाइट मोड में चला गया, क्योंकि गूगल मतलब कि मोबाइल के सेंसर को पता चल गया कि अंधेरा है, इसीलिए नाइट मोड में चला गया। तो मैं इतने दिन से ये सोच रहा था कि गूगल मैप जो नाइट मोड में मतलब कि जाता है, मुझे लगता था कि शायद जब रात होता है तो ये लाइव मतलब कि पूरा जो चल रहा है उसको वो लाइव वो कैप्चर करता है, तो मुझे ये लगा कि ये गूगल मैप लाइव कैप्चर करता है। तो अभी गूगल मैप वाइट है मतलब डे मोड में है ठीक है। जब मैं इस टनल के अंदर घुसूंगा, देखना एक चीज़ ये देखना, जब मैं टनल के अंदर घुसूंगा तो ये नाइट मोड में चला जाएगा ऑटोमेटिक। उसको मतलब मोबाइल के सेंसर को ऐसा लग रहा है शायद रात हो गया, तो इसलिए गूगल मैप को क्या किया उसने, नाइट मोड में कर दिया। अभी फिर से ये दिन का डे मोड में आ जाएगा, तो ये चीज़ मुझे आज पता चला कि ऐसा होता है। तो गूगल मैप को पहले से ही पता है कि कौन सा रास्ते में जाने से कितना टाइम लगेगा, ये पहाड़ी इलाका है इसीलिए टाइम ज़्यादा लगता है, वो पहले से ही पता है। सो गाइस हम फिर से आ चुके हैं नेशनल हाईवे में, अभी उधमपुर क्रॉस करने के बाद ही ये नेशनल हाईवे मिला हमें, तो अभी फिर से स्टार्ट होगा स्पीड से चलाना। इतने देर से मैं 20, 30, 40 ऐसे चला रहा था, क्योंकि रास्ता ही इतना अच्छा नहीं था तो कैसे चलाता स्पीड से, इसलिए स्पीड भी मेंटेन नहीं हो पा रहा था। इतना सुंदर नज़ारा, ओह माय गॉड, ऐसे श्रीनगर दिखा रहा है अभी 150 किलोमीटर दूर, गूगल मैप के हिसाब से 4.5-4 घंटे लगेंगे। चेनानी, अभी हम हैं चेनानी यहाँ से 14 किलोमीटर दूर है, और बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे अभी देखने को मिल रहे हैं मुझे। सो गाइस अभी हम लोग यहाँ से रुके हुए, और यहाँ पे ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, ये जो टनल है यहाँ पे, तो उस टनल से हमें 9 किलोमीटर आगे जाना है। सो गाइस अभी यहाँ से एक टनल है, ये चेनानी नासरी टनल इसका नाम है, तो ये पहाड़ के अंदर से जाना होगा 9 किलोमीटर तक। मुझे फर्स्ट टाइम मैं ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करने वाला हूँ, मैं अभी पहाड़ के अंदर 9 किलोमीटर, आप सोच सकते हैं कितना बड़ा टनल है ये, तो इसके अंदर से जाना होगा पूरा 9 किलोमीटर। तो अभी देखते हैं चल के, फर्स्ट टाइम मैं ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करने वाला हूँ अभी। सो लेट्स गो, चेनानी नासरी टनल वे लिमिटेड।
अरे इसके अंदर एसी भी है क्या? ठंडा है अंदर बहुत, लाइट जला देते हैं, अंधेरा लग रहा है पूरा। तो ये पूरा 9 किलोमीटर तक हमें ऐसे जाना होगा और यहाँ पे जीपीएस सर्चिंग फॉर जीपीएस दिखा रहा है, जीपीएस है ही नहीं, पूरा जीपीएस चला गया है और मोबाइल फिर से नाइट मोड में चला गया है। सो मैं जितना टनल के अंदर जा रहा हूँ ना उतना मुझे गर्मी ज़्यादा लग रहा है। पहले जब मैं घुसने के टाइम इतना ठंड था वहाँ पे, और अभी मैं जितना अंदर जा रहा हूँ गर्मी उतना ज़्यादा बढ़ रहा है। सो हम फाइनली निकल चुके हैं टनल से। यह टनल पूरा 9 किलोमीटर का था और अंदर इतना धुआं था गाड़ियों का, कैसा अजीब सा, पूरा आँखों में ऐसा लग रहा था कि मैं रात से दिन हो गया अभी अचानक से। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था ये वाला 9 किलोमीटर का टनल। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2023 डिस्ट्रिक्ट पुलिस रामबन। जीपीएस अभी जगह एक्टिवेट हो गया फिर से। सो गाइस टनल के बाद ये हालत है रास्ता का, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इतना धूल है। टनल के बाद रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है भाई। ऐसे रास्ते में अगर मैं जाऊँ तो रात हो जाएंगे मुझे श्रीनगर पहुँचते पहुँचते। सो यहाँ पे और एक टनल आ गया है। ये टनल शायद नया नया स्टार्ट हुआ है, मतलब स्टार्ट हुआ नहीं अभी तक, नया नया है और ये पता नहीं कितना लंबा है, कुछ लिखा हुआ नहीं है, इसका नाम भी शायद अभी तक दिया हुआ नहीं है। ये बन रहा है बस, इसका काम चल रहा है, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, पर फिर भी ये ओपन कर दिया गया है लोगों के लिए। ये पता नहीं कितना लंबा है। और जो टनल है ना वो सीधा डाउन की तरफ जाता है, पहले वाला भी डाउन जा रहा था, ये वाला भी डाउन ही है। सो अभी मैं हूँ इस जगह में, इस जगह का नाम मुझे पता नहीं है, और ये नदी का पानी बहुत ही तेज़ी से जा रहा है और बहुत ही अच्छा यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी है, और मुझे बाइक चलाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। बस मुझे पहुँचा दे जल्दी से जल्दी श्रीनगर, क्योंकि अभी गूगल मैप भी काम नहीं कर रहा है, कुछ भी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क नहीं है। नेटवर्क है पोस्टपेड में बस, पर नेट नहीं है। मेरे पास मैप है, कोई इशू नहीं है, अभी भी ऐसा नहीं कि रास्ते में भटक गया हूँ मैं, मुझे पता है रास्ता। मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं, अरे ये क्या है, ये जेसीबी देखो, पहाड़ के अंदर घुसा हुआ है। तो कितना किलोमीटर बाकी है, क्या है, कुछ भी मुझे मालूम नहीं हो रहा है, मुझे लोगों से पूछ के जाना पड़ रहा है। और ये रास्ता भाई इतना सुंदर है, इतना खूबसूरत है ये रास्ता, और ये पहाड़ को देख के तो मन कर रहा है यहाँ पे बाइक रोक के कुछ देर बैठा रहूँ, पर मुझे जाना होगा, बहुत लेट हो गया है। लास्ट टाइम मैं जब केदारनाथ गया था तो केदारनाथ जाने के टाइम में हम सोनमार्ग तक जब हम गाड़ी से जा रहे तो सोनमार्ग तक हमें ऐसा रास्ता मिला था, बिल्कुल ऐसा ही था रास्ता। तो वो जगह और ये जगह सिमिलर है, उत्तराखंड का जगह और ये जगह, मतलब रास्ते की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा सिमिलर है। और ये मिल गए हमें पहला चेक पोस्ट, शायद सिक्योरिटी चेकिंग एरिया। तो ये हमें पहला चेक पोस्ट मिल गया है, शायद श्रीनगर अभी ज़्यादा दूर नहीं है। और ये व्यू देखो, इतना खूबसूरत व्यू है यहाँ पे, व्यू देखने के चक्कर में एक्सीडेंट ना हो जाए बस। ये जो अभी पत्थर मिला ना मुझे, ये टर्निंग में ये सब इन सब पत्थरों से बच के रहना होता है, क्योंकि अगर आप बाइक को ऐसे टर्न कर रहे हो और उसके अंदर पत्थर आ गया ना तो आप गिर भी सकते हो, जैसे कि मैं अभी गिरने वाला था। सो गाइस ये है खूबसूरत नज़ारे कश्मीर के, और आज जाके मुझे ये फील हो रहा है कि मैंने बहुत दिनों बाद मैंने
राइड किया है, क्योंकि इतने दिनों से मैं हाईवेज में ही चला रहा था, एकदम भी थकावट नहीं हो रहा था, गियर बदलना नहीं पड़ रहा था, क्लच दबाना नहीं पड़ रहा था, बस ऐसे ही पकड़ के बैठा हुआ था। पर आज जाके मुझे ये फील हो रहा है कि मैंने आज राइडिंग किया है, मेरे पूरे बॉडी में दर्द हो रहा है, बैग्स वैग्स सब तेरे हो गए, क्योंकि रास्ता इतना ख़राब है, हाईवे होने के बावजूद भी रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है, और मेरे शोल्डर का पेन आज फिर से हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो आज जाके ऐसा फील हो रहा है कि हमने राइड किए हैं, और ये नज़ारे इतने खूबसूरत, पहाड़ों के ऊपर बादल, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और यहाँ पे ठंड लग रहा है अभी थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ से 15 किलोमीटर से शुरू होगा कश्मीर वैली, और श्रीनगर यहाँ से है 89 किलोमीटर दूर, और हम ऑलमोस्ट कश्मीर वैली में आ चुके हैं। लेह यहाँ से है 512 किलोमीटर दूर। सो गाइस, अभी मैं हूँ कश्मीर वैली में, और यहाँ पे मेरा GoPro का चार्ज ख़त्म हो गया, और ये है, मैं अभी जस्ट एंटर किया हूँ कश्मीर वैली, और ये है यहाँ के नज़ारे, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर है, और ऊपर क्लाउड्स जो है वो। तो यहाँ से मुझे ठंड लगना स्टार्ट हो चुका है अभी, ये हालत देखो मेरा जैकेट का और बॉडी का, पूरा धूल मिट्टी से भर गया है मेरा बॉडी, क्योंकि रास्ते में आज जाके ऐसा फील हो रहा है कि मैंने थोड़ा राइड किया है, और अभी जस्ट एंटर किए हैं हमने कश्मीर वैली में, एंटर नहीं किया शायद, और 4-5 किलोमीटर बाकी है कश्मीर वैली एंटर करने में। तो अभी हम आ चुके हैं श्रीनगर, यहाँ से 80 किलोमीटर दूर है, और अभी जस्ट हम घुसने वाले हैं कश्मीर वैली में। सो गाइस, यहाँ पे जितने भी बोर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, ये सब के सब होटल्स है, ये डाल लेक के ऊपर आपको रूम्स अवेलेबल करा देंगे, ये होटल है सब के सब। सो ये है डाल लेक, और ये जितने भी बोर्ड्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे सब होटल है। सो गाइस, मैं आ चुका हूँ श्रीनगर, और ये रहा मेरे सामने लाल चौक, और बहुत ही अच्छा लग रहा है श्रीनगर में आके, बहुत ज़्यादा सुंदर है श्रीनगर। सो गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं लाल चौक के सामने, और ये रहा लाल चौक, और अभी हम चलते हैं कोई होटल में जाके होटल लेते हैं, और यहाँ से निकलते हैं अभी। और अभी टाइम हो रहा है कितना, 8:13, अभी टाइम हो रहा है 8:13, और मुझे श्रीनगर आते आते 8 बज गए थे, और अभी मैं जाऊँगा होटल में जाके थोड़ा रेस्ट करूँगा, कल यहाँ से निकल जाऊँगा सुबह सुबह ले के लिए। तो अभी चलते हैं होटल में और चेक इन करते हैं और रेस्ट करते हैं, क्योंकि मेरे शोल्डर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। सो गाइस, मैं श्रीनगर आ चुका हूँ, ये मैंने होटल ले लिया, अभी मैंने फ्रेश होके आ गया नहा के। तो अभी मैं जस्ट एडिट कर रहा था वीडियोज़ यहाँ पे, और जब मैं श्रीनगर पहुंचा, तो पहुंचने के बाद मुझे इतना ज़्यादा डर लग गया, क्योंकि यहाँ पे इतने ज़्यादा आर्मीज थे, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है यहाँ पे। उसके बाद मैं गया लाल चौक में घूमा, उसके बाद मैं गया दाल लेक, यहाँ पे रहने के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शंस थे, तो मुझे इतना भीड़ भाड़ पे रहने का पसंद नहीं है मुझे, इसलिए मैं दाल लेक में नहीं रुका, मैं यहाँ पे इस होटल पे आके रुक गया, और यहाँ से मैं कल सुबह सुबह निकल जाऊँगा सोनमार्ग और कारगिल के लिए। तो अभी मैं रेस्ट करता हूँ, क्योंकि मैं आज बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, क्योंकि बहुत दिनों बाद मुझे ये फील हुआ कि हमने राइडिंग किया है बहुत, क्योंकि रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब था और ठंड भी लग रहा था, और यहाँ पे अभी भी सितंबर का महीना चल रहा है, अभी भी ठंड है यहाँ पे। तो इसीलिए अभी मैं सोता हूँ, रेस्ट करता हूँ, कल सुबह निकलना है सोनमार्ग और कारगिल के लिए। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, कल मिलते हैं एक नए से ब्लॉग में, कल मैं यहाँ से सोनमार्ग और कारगिल के लिए निकलूँगा। तो टिल देन गुड बाय, टेक केयर, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।